वेलकम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो टेक डिसाइड। तो आज हम बात करते हैं सैमसंग के एक नए फ़ोन के बारे में जो कि इंडिया में लॉन्च होगा 15 फरवरी को, सैमसंग F62। शायद से आपको पता होगा, तो ये जो सीरीज़ है एफ सीरीज़ और एम सीरीज़ की बात करें तो दोनों सीरीज़ ऑनलाइन सेंट्रिक होती है। सैमसंग बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देगा। 2021 के अंदर आपको बहुत से फ़ोन देखने मिलेंगे 2021 के अंदर एफ सीरीज़ और एम सीरीज़ के, क्योंकि अदर कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है अच्छे प्राइस पॉइंट के ऊपर। इसलिए सैमसंग भी अपने यूज़र के लिए बहुत अच्छे स्मार्टफोन बनाना चाहता है अच्छे प्राइस पॉइंट पर, उन्हें अच्छे स्पेक्स भी देना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे एफ सीरीज़ की बात करें तो इसकी इन दिनों बहुत ही ज़्यादा हाइप चल रही है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर जो कि एक महंगे वाले फ़ोन में था, नोट 10 और नोट 10 प्लस में। आपको याद होगा शायद से एक्सिनोस 9825, इसका जो एंटीटू स्कोर है गीक बेंच है बहुत ही कमाल का, अगर आप इसे कंपेयर करते हो अभी के 750G और 765G के साथ में भी, तो उससे बेटर है। तो ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे क्यूरियस है कि हम इस प्राइस पॉइंट पे अगर ये 25,000 के अंदर आता है तो फिर ये बहुत ही कमाल का फ़ोन होने वाला है। यस, ऑफकोर्स आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी परफॉर्मेंस, लेकिन तो मैंने कल लाइव सेशन लिया था, यानी कि लाइव में आया था, तो ऐसे में मुझे बहुत से सवाल आए कि हम अभी करंटली M51 यूज़ कर रहे हैं, 730G वाला फ़ोन है ये। ओके, तो क्या हम इसे अभी सेल कर दें और F62 तरफ चले जाए? ओके, क्या उसे बाय करना सही रहेगा? तो देखो भाई, आपने जो भी सवाल किए थे, आपके जो भी डाउट्स है, और जो लोग इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं, जो लोग इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये फ़ोन कैसा है एफ सीरीज़ का F62, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको बिल्कुल बताऊंगा डिटेल में। ओके, तो बात करें एफ सीरीज़ के इस फ़ोन की, तो ये लगभग सेम है M51 ही है, उसका थोड़ा सा बड़ा भाई आप इसे बोल सकते हो। और कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है कि हर एक फ़ोन को एक साल के बाद में उसका एक नया वेरिएंट निकाल देते हैं किसी और नाम से भी, ऐसे भी होता है, तो वैसे हो चुका है। तो कंपनी को सेलिंग बढ़ानी होती है M51 के अंदर। चेंजेस क्या करें, बस बैक में जो प्लास्टिक है उसका कलर चेंज किया है, कैमरा का मॉडल चेंज किया है, वापस स्क्वेयरिश टाइप का रखा है, कैमरा के लेंस में चेंज हो सकता है, सेंसर में चेंज हो सकता है, साथ में यहाँ पे एक्जिनोस 9825 लगा दिया है ताकि लोगों के दिमाग में क्यूरियसनेस आ जाए कि भाई इतने कम प्राइस पे आपको मिल रहा है इतना अच्छा वाला प्रोसेसर, इस तरह से यहाँ पे आपको देखने मिलता है। हाँ, ये कमाल का है प्रोसेसर, थोड़े से हीटिंग इशू आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। तो जो लोग बहुत ही ओल्ड फ़ोन यूज़ करें, जैसे कि 1.5-2 साल 3 साल हो चुके और एक नए फ़ोन पर अपग्रेड करना चाहते हैं, तो फिर ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन ये 4G फ़ोन है, 5G फ़ोन नहीं है। जो लोग 5G खरीदना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगले महीने से आपको A सीरीज़ के फ़ोन आने वाले हैं, A52 भी आने वाला है 4G और 5G भी, तो वो भी आपको 20 से 25 और 25 से 30 के रेंज में आने वाला है। ओके, तो फिर आपको बिल्कुल देखना होगा, सोचना होगा। ओके, और जो लोगों के पास में एम सीरीज़ का फ़ोन है M51, तो उससे बिल्कुल भी रिप्लेस ना करें इस फ़ोन के साथ में, पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि मैंने M51 को टेस्ट किया था Mi 10i 5G के साथ में। इसमें आपको देखने मिलता है 750G जो कि बहुत ही पावरफुल है अभी के हिसाब से, लेकिन फिर भी 730G बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है सैमसंग ने M51 के अंदर, तो अच्छी कड़ी टक्कर देता है, क्योंकि रेंडरिंग टेस्ट हो, ऐप ओपनिंग टेस्ट हो, साथ में गेमिंग टेस्ट हो, सभी में 730G बहुत अच्छा काम करता है M51 के अंदर। ओके, तो ऐसे में अगर आपका बजट अगर 20 से 25 का है तो मैं बोल सकता हूँ आपको कि आप वेट करें ए सीरीज़ के लिए, जो कि आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगी और बहुत से फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। तो एफ सीरीज़ का F62 जो फ़ोन है वो मुझे लगता है कि अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए एक्जिनोस 9825 और अच्छी बड़ी बैटरी, तो 7000mAh की बैटरी है, 25W का चार्जर है, 6.7 इंच का डिस्प्ले है जो कि सेम था M51 के अंदर, और ये एमोलेड डिस्प्ले है, पंच होल भी है, 60Hz का पैनल है, और रही बात में प्लास्टिक की, वो थोड़ा अलग कलर में आपको देखने मिलता है, क्वेरिश डिज़ाइन आपको कैमरा की, सेंसर थोड़ा अलग हो सकता है। तो इस तरह से ये फ़ोन है, टाइप सी का पोर्ट है, और हेडफोन जैक भी आपको देखने मिलता है, नॉक सिक्योरिटी आपको देखने मिल सकती है इस फ़ोन के अंदर एफ सीरीज़ के अंदर, और इसमें आपको 1UI 3.0 भी है, एंड्रॉइड 11 की अपडेट भी है, तो ये सभी आपको देखने मिलेंगे फीचर्स और स्पेक्स जो कि लगभग एम सीरीज़ के फ़ोन में भी है M51 के अंदर। ओके, तो देखो भाई कि मेरा आखिरी ओपिनियन क्या होगा इस फ़ोन के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी हाइप हो रही है, बहुत से यहाँ पे आपने फर्स्ट इंप्रेशन देखे होंगे कि भाई ये फ़ोन ऐसे है, स्पीडी फ़ोन है, ये है वो है, एंटीटू स्कोर बहुत ही ज़्यादा है, गीक बेंच भी बहुत ही कमाल का है, तो ऐसे में ये फ़ोन बहुत ही तगड़े लेवल का है और ये बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे आ रहा है 25,000 के अंदर अंदर। तो देखो, ये 4G फ़ोन है और जो लोग इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नया फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तो M51 के जगह पे आप इसको ख़रीद सकते हो, अच्छा फ़ोन है, लेकिन जो लोग के पास में ऑलरेडी अच्छा फ़ोन है वो इसके ऊपर बिल्कुल पैसे वेस्ट ना करें, और जो लोग 5G फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो वो इसे स्किप कर दे। ओके, ये तो बाद में पछतावा हो सकता है, क्योंकि बाद में आपको इसी प्राइस पॉइंट के ऊपर एक 5G फ़ोन मिलेगा बहुत ही जल्द, क्योंकि ये ज़माना 5G का है, 2021 में आपको बहुत से 5G फ़ोन लॉन्च होते हुए नज़र आएंगे, बस 1-2 महीने का आप वेट कीजिए, आपको 15,000 के अंदर अंदर भी 5G फ़ोन देखने मिलेंगे सैमसंग और अदर कंपनीज के भी। तो जो लोग इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हो तो उन लोगों को एक मेरी सजेशन रहेगी कि अगर आपका बजट
20 से 25 के रेंज में है, तो और आप वेट कर सकते हो इस फ़ोन को, अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो। जो लोगों को एक्जिनोस 925 से बहुत ज़्यादा प्यार है तो फिर वो खरीद सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी। ओके, मेरी सजेशन रहेगी आप इसे स्किप कर दो, फ़ोन तो अच्छा है लेकिन लगभग सेम कॉपी मुझे लगता है M51 की ही, तो ये आपकी सोच है। कंपनियां तो प्रमोशन करेगी, कंपनी को सेलिंग तो चाहिए, अब आपकी चॉइस है आपको खरीदना या नहीं खरीदना। मेरा था ओपिनियन, मैंने आपको बता दिया। डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो चली, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।